हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हेयर फॉल से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं तो ऐसे में मैं आपके लिए एक शैम्पू लाई हूँ जो आपको बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगेगा और बहुत ही अच्छा ये शैम्पू है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा हो रहा है तो ऐसे में आपको कौन सा शैम्पू वगैरह यूज़ करना चाहिए वो मैं बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आप पैंटीन प्रोवी का शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा शैम्पू है अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है। और ये मेरे पास जो है 1 लीटर का पैक है और 600 रुपीज़ का पैक है और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 1 लीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 1 लीटर का पैक है, काफ़ी बड़ी बॉटल है। इसको हमने ऑनलाइन परचेज़ किया था तो ऑनलाइन परचेज़ करने में थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप पास के किसी लोकल स्टोर से लेते हैं तो आपको ये उसी रेंज में मिलता है। तो जैसे कि मैंने काफ़ी शैम्पू यूज़ किए हुए हैं, जैसे कि ट्रेसे में वगैरह वगैरह, तो मुझे उनसे कोई भी इफेक्ट नहीं लगा था जब मेरे हेयर फॉल हुए थे। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आप पैंटीन का ये हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसका डैमेज केयर वाला शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके बाल डैमेज हो रहे हैं तो वो गिरेंगे भी, झड़ेंगे भी और उनमें टूटे फूटे भी हो जाएंगे, तो वो उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो मुझे ये जो पैंटीन के शैम्पू हैं बहुत ही सीरियसली बहुत ही पसंद आए, क्योंकि ये इतने अच्छे हैं कि ये पूरा अच्छा वर्क करते हैं। मैंने काफ़ी महंगे शैम्पू यूज़ किए हैं मगर उनका कोई इफेक्ट नज़र नहीं आता है। तो ये जो शैम्पू है, आजकल कोई ऐसा शैम्पू नहीं होगा या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होगी इसमें केमिकल नहीं होगा। तो केमिकल हर चीज़ में होता है और शैम्पू आपको करने का तरीका भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप रोज़ शैम्पू कर रहे हैं। अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको हफ्ते में 2 या 3 बार शैम्पू से अपने बालों को वॉश करना चाहिए। अगर आप बॉयज़ हैं तो आपको भी 2 या 3 बार ही वीक में यूज़ करना चाहिए शैम्पू। ये नहीं कि आप डेली कर रहे हैं, क्योंकि बॉयज़ को मैंने देखा है कि वो डेली शैम्पू यूज़ करते हैं तो उससे उनको हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे कि मेरे साथ मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गए थे, हेयर फॉल हो रहा था, तो ऐसे में मैंने ये शैम्पू यूज़ किया और रियली में बहुत ही अच्छा है। और देखिए बालों में कितनी अच्छी सी शाइनिंग भी आती है और बाल बहुत ही अच्छे हो जाते हैं इसको यूज़ करने से। हेयर फॉल तो आई थिंक बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है कि एकदम से सारा कंट्रोल हो जाए, बट इससे हेयर फॉल रुक जाता है। ये 100 में से 75% वर्क करता है अगर आप हेयर फॉल पे यूज़ करते हैं इसको, और आपके जो बाल हैं उनको भी अच्छा बनाने में हेल्प करता है। तो अगर हम अंदर से इसकी बात करें तो ये इस तरीके से, इसमें ये ट्यूब दिया होता है और इसको इस तरीके से प्रेस करना होता है, और ये कुछ थिक कंसिस्टेंसी में शैम्पू होता है और काफ़ी अच्छा शैम्पू है ये। और इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी है, बस आपको थोड़ा सा ही क्वांटिटी में लेना होता है और फिर आपके पूरे बालों में ये इजीली लग जाता है। तो आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और ये मुझे शैम्पू बहुत ही पसंद आया। तो और हाँ, अगर आप कोई हर्बल शैम्पू चाहते हैं तो मैंने पहले रिव्यू किया हुआ है देना जी सतीरा शैम्पू का, जिसको मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन दिखा दूँगी, वो भी आप ख़रीद सकते हैं। गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा शैम्पू है, हर्बल शैम्पू है। आई थिंक उसमें बहुत ही कम क्वान्टिटी में केमिकल अगर होगा तो, अदरवाइज़ वो शैम्पू बहुत ही अच्छा है। आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत ही सपोर्ट किया है, बहुत पसंद किया है, आप वो भी देख सकते हैं मेरी वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।